everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NTU, UGC, NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा for further notifications and updates. So friends, today's video is going to be really important क्योंकि आज हम important model code detail में discuss करेंगे. ये आपका unit 9 leadership in educational administration के साथ deal करता है. इससे पहले भी हमने कई सारे मॉडल को डिटेल में डिस्कस किया था, जैसे हर्शी बेंचार्स मॉडल, फेंडर कटी जैसी मॉडल, ब्लेक एंड माउंटेन मॉडल. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड सर्च माय वीडियोस ऑन सर्टेन टॉपिक्स, कि वो सारे के सारे जो मॉडल्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे एग्जाम एनटीयू यूजीसी नेट एग्जाम में हमेशा हर शिफ्ट के अंदर आते हैं. तो आप उस कॉन्सेप्ट्स को मिस आउट ना करें और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा ही एग्जाम में आता है. आज भी हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ मैं जो कि आता है एग्जाम में, और ये जो मॉडल इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे रिलेटेड कई सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे. तो फ्रेंड्स, आज हम ट्राई डायमेंशनल मॉडल पढ़ेंगे और लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल पढ़ेंगे. सो फ्रेंड्स, विदाउट गेटिंग लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपका जो ट्राई डायमेंशनल मॉडल है ये किसने दिया था. इससे पहले हमने फेंडर कंटीजेंसी मॉडल पढ़ा था. लास्ट जो हमने किया था उसके अंदर हमने कहा था कि जो सिचुएशंस के बेसिस पर जो एक लीडर है वो एक पर्टिकुलर मॉडल को चूज करता है और उस तरह से वो उसकी फंक्शनिंग करवाता है कि मैनेज कैसे करवाया जाए अपनी कंपनी में. तो ये सब कुछ उसमें यूज होता था. लेकिन जो बिल रेडिन है इन्होंने हमारा जो मॉडल दिया है, जो ट्राई डायमेंशन मॉडल है, बिल रेडिन थे जो कि एक ब्रिटिश प्रोफेसर थे. ठीक है, ब्रिटिश प्रोफेसर थे और इन्होंने हमें थ्री डायमेंशनल ग्रिड यानी कि 3D लीडरशिप के नाम से एक मॉडल इन्होंने हमें दिया था. और इन्होंने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था अपने इस थ्योरी में जिसको हम सिचुएशनल डिमांड्स कहते हैं. ठीक है, ये जो वर्ड है आपने सिचुएशनल डिमांड्स, ये आपने पहले फेडर कर्टी जैसी मॉडल में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे वन सेकेंड मैं सही से लिख देती हूँ इसको, कि सिचुएशनल डिमांड किसको कह रहे हैं. सो फ्रेंड्स, सिचुएशनल डिमांड्स यहाँ पे जब बात करें तो कह रहे हैं कि एक जो लीडर है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशनल बेसिस पे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही एक मॉडल को चूज करता है. अब जो सर्कमस्टांसेस उसके सामने होते हैं, अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाए कि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, कोई पर्टिकुलर उसे सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो लेकर चलता है कि कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनिंग करवाए, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करवाए. तो यही बिल रेडिन ने दिया था कि सिचुएशनल डिमांड्स के ऊपर ही हमारा ये मॉडल बेस्ड है पूरा, ट्राई डायमेंशनल ग्रिड मॉडल. ठीक है, और यहाँ पे आपको बताता है कि लीडर को, एक अच्छा लीडर वही है जो कि एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करे, जो सिचुएशन उसके सामने है उसी के अकॉर्डिंग उसको काम करना चाहिए और वही इफेक्टिव होता है सबसे ज्यादा. फ्रेंड्स, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने ये कही थी कि ये जो मॉडल है हमारा, तीन डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं टास्क ओरिएंटेशन की. टास्क ओरिएंटेशन की, अब जैसे कि कोई भी लीडर है वो अपनी टीम क्यों क्रिएट कर रहा है, क्यों वो अपने फॉलोअर से यहाँ पे मैनेज करवा रहा है, काम करवा रहा है, ताकि वो एक ओरिएंट हो जाए टास्क के थ्रू. जो टास्क है उसको जो अचीव करना है वो उसके गोल को समझ जाए और उसको अचीव करवाने में मदद करे, उसके जो लीडर्स के जो फॉलोअर्स है उसको हेल्प करे. तो ये टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए. ठीक है, टास्क ही इसमें इम्पॉर्टेंट होता है. जब भी हम टीम यहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं, टास्क ओरिएंटेशन के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि लीडर कैसे अपने फॉलोअर्स के साथ एक इफेक्टिव और हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करे. इसलिए जो हमारा दूसरा डायमेंशन जो बिल रेडिन ने बात की, वो बात की थी आपकी रिलेशनशिप. ठीक है, वो यहाँ पे इन्होंने बात की थी रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, कि रिलेशनशिप कैसा है लीडर के बीच में और उनके फॉलोअर के बीच में.
ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन भी बात करते हैं, ये हमारी सेकंड डायमेंशन है जो कि बिल रेडी ने यहाँ पे डिस्कस की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, विच इज इफेक्टिवनेस। ये हमारा थर्ड डायमेंशन है जो कि बिल रेडी ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पे डायमेंशन डिस्कस किए बिल रेडी ने? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कहा कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लीडर को काम करना चाहिए, जो सर्कमस्टांसेस उसके सामने है, अगर जो उसे सूट कर रही है तो उसी के फेवर को देखते हुए, उसी को पूरा एनालिसिस करते हुए हमें एक यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लीडरशिप के मॉडल को फॉलो नहीं करना होता। एक इफेक्टिव लीडर वही है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही एक्ट करे। तो उन्होंने फर्दर एक तीन तरह के डायमेंशन किए थे, टास्क ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन और इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो ये तीन तरह के डायमेंशन हमें बिल रेडी ने प्रोवाइड किए थे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको इतना इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। ये रहा पूरा इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको स्लाइड में बताया है कि जो बिल रेडी थे ये ब्रिटिश हमारे प्रोफेसर थे और ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डेवलप किया था हमारा थ्योरी को और कहा था कि जो लीडर है, एक इफेक्टिव लीडर है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्ट करता है और यहाँ पे उसका मैनेजेरियल इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो 3D मॉडल था लीडरशिप का, ये फर्स्ट जो आया था 1983 में आया था और इन्होंने फर्स्ट इसके बारे में जो जिक्र किया था वो किया था अपने एक यहाँ पे मैनेजेरियल इफेक्टिवनेस और स्टाइल को सबसे पहले इन्होंने डिस्कस किया था 1983 में अपने थीसिस में। और यहाँ पे इंडिविजुअल और सिचुएशन को डिस्कस करते हुए कई तरह के आपको डिफरेंट डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स थे वो यहाँ पे दिए थे और कहा था कि एक लीडर वही इफेक्टिव है जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही एक्ट कर रहा है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लीडरशिप मॉडल को चूज कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स इसके आगे आपको यही तीन डायमेंशंस जो बताए हैं वो किसने दिए हैं, बिल रेडी ने दिए हैं, टास्क ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन और थर्ड डायमेंशन इफेक्टिवनेस। ठीक है, तीन डायमेंशंस जो कि बात करी थी बिल रेडी ने, जिसको हम 3D लीडरशिप मॉडल के नाम से भी जानते हैं, और सिचुएशनल डिमांड्स इन्होंने दी थी जो कि क्या थी, यहाँ पे बताती थी कि एक लीडर को क्या करना चाहिए, जो मोस्ट इफेक्टिव तरीके से यहाँ पे बिहेव करना चाहिए। और तीन तरह के डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब बारी आती है यहाँ पे एक ग्रिड की। ठीक है, ये ग्रिड है, आप इनसे फैमिलियर हो गए पहले भी, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमने हर्शी एंड ब्लैंचार्ड्स मॉडल में डिस्कस किया था। हर्शी एंड ब्लैंचार्ड्स मॉडल में हमने देखा था कि वहां पे कैसे एक लीडर है और लीडर के बीच में और उसके टास्क के बीच में, मतलब उसके जो रिलेशनशिप के बीच में और टास्क के बीच में क्या यहाँ पे एक्सिस बनते हैं, एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस पे क्या रिलेशन होते हैं और क्या लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, कितने तरह के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, तो ये हमने डिस्कस किए थे। जैसे कि हर्शी एंड ब्लैंचार्ड से हमने टेलिंग, सेलिंग और पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग, इन सबको हमने डिस्कस किया था। इससे पहले जो ब्लेक एंड फॉन्टेन थे उसके अंदर भी हमने इस तरह के जो ग्रिड को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये भी उसी तरह का ग्रिड है, ये भी आपको बताता है रिलेशनशिप क्या है जो उसके लीडर के और फॉलोअर के बीच में, और इसके साथ साथ यहाँ पे टास्क कैसा ओरिएंटेशन है लीडर का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम रैंकिंग देंगे, जो हमारे यहाँ पे रिलेशनशिप का ओरिएंटेशन है कि लीडर का अपने मेंबर्स के साथ कैसा रिलेशन है, तो उसको हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे रखते हैं और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमेशा हमारा टास्क ओरिएंटेशन आता है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ वेरी करता है, लो से हाई तक वेरी करता है। सबसे पहले जो बात आती है हमारी वो आती है सेपरेटेड की। सेपरेटेड होता है हमारा एक तरह का इम्प्रोवाइज्ड लीडरशिप स्टाइल, जिसके अंदर जो टास्क और रिलेशनशिप है वो दोनों ही आपस में क्या है, बिल्कुल ही अलग है, कोई रिलेशन नहीं है। जो एक लीडर एक ऐसा सेपरेटेड लीडरशिप स्टाइल को यूज कर रहा है जिसके अंदर यहाँ पे ना ही वो टास्क के प्रति ओरिएंटेड है, ना ही वो रिलेशन है उसका अच्छा अपने मेंबर्स के साथ, तो ये हमारा सेपरेट स्टाइल के अंदर आता है। ठीक है,
जिसकी रेटिंग 1:1 है, मतलब 1 और 1 है कि टास्क ओरिएंटेशन भी सबसे लो है और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन भी सबसे लो है। फिर बारी आती है फ्रेंड्स डेडिकेटेड की। डेडिकेटेड एज इट साउंड्स की डेडिकेटेड मतलब कि जब जिसमें लीडर क्या है, हमारा जो लीडर है वो उसका मेन ओरिएंटेशन है टास्क के ऊपर और सबसे लेस ओरिएंट है उसका किसके ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। कि जो एक ऐसा लीडर है जो कि डेडिकेटेड लीडरशिप स्टाइल को अपना रहा है, जो कि मेनली यहाँ पे उसका फोकस है टास्क के ऊपर कि मेरा टास्क अचीव हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे मेंबर्स के बारे में। तो इसलिए जो सबसे लो स्कोरिंग होती है यहाँ पे वो होती है आपकी अपने फॉलोअर्स के बीच में रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप ओरिएंटेशन सबसे कम होता है लीडर का। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है हमारी इंटीग्रेटेड की। इंटीग्रेटेड सबसे अच्छा होता है क्योंकि ये एक ऐसा स्टाइल होता है जिसके अंदर जो लीडर है वो इंटीग्रेटेड है अपने टास्क के थ्रू भी, टास्क के प्रति भी, और इंटीग्रेटेड है रिलेशनशिप के प्रति भी। यानी कि उतना ही वो इम्पोर्टेंस दे रहा है अपने टास्क को, अपने गोल को, और वो उतना ही यहाँ पे इम्पोर्टेंस दे रहा है किसको, अपने रिलेशनशिप को, कि अपने फॉलोअर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना है उसको। पार्टिसिपेटिव में आता है फ्रेंड्स, तो पार्टिसिपेटिव में मतलब यहाँ पे रिलेटेड में, रिलेटेड जैसे साउंड कर रहा है कि सबसे लो यहाँ पे आपका होगा टास्क के प्रति उसका ध्यान, और सबसे ज्यादा होगा किसके ऊपर, अपने ग्रुप मेंबर्स के ऊपर। रिलेशनशिप ओरिएंटेशन एक लीडर का सबसे ज्यादा होगा और यहाँ पे सबसे कम होगा किसके पास, अपने टास्क के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको ग्रिड थी जो कि ट्राई डायमेंशन में हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। जैसे कि रिलेटेड में क्या है, 1 और 9 के यहाँ पे स्कोरिंग होती है, मतलब एक ऐसा लीडर जो कि इंजॉय करता है टीम बेस को, कोऑपरेटिव वर्किंग को, लेकिन इसका यहाँ पे फोकस नहीं होता किसके ऊपर, डायरेक्टिंग पे और डिक्टेटिंग ऑर्डर्स ऑफ टू स्टाफ, कि वो डिक्टेट नहीं करता, डोमिनेटिंग नेचर नहीं होता उसका। मेन पर्पस होता है कि यहाँ पे टीम के साथ वर्क करना, इंजॉय करना, और ठीक है यहाँ पे अपने जो टीम मेंबर्स को ज्यादा ज्यादा फ्रीडम देना। तो ये रिलेटेड लीडरशिप स्टाइल होता है। दूसरा होता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड आपका सबसे अच्छा होता है क्योंकि इंटीग्रेटेड में जो मैनेजर क्या करता है, वो रिटेन करता है कोऑपरेटिव नेचर ऑफ ग्रुप को और एंगेज करता है टू वे कम्युनिकेशन को, कि उतना ही इंपॉर्टेंस वो टास्क को भी दे रहा है, उतना ही इंपॉर्टेंस वो किसको दे रहा है, अपने रिलेशनशिप को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो ये इक्वली होता है, 9 और 9 का स्कोर होता है, दोनों ही हाई होता है। डेडिकेटेड में देखा जाए तो डेडिकेटेड में जो लीडर होता है उसका मेन पर्पस अपने टास्क के ऊपर होता है। डेडिकेटेड मैनेजर ट्रूली कंसर्न करता है एंड रिजल्ट पे, जो एंड आउटकम और एंड प्रोडक्ट उसको मिल रहा है, टास्क के ऊपर उसका फोकस होता है। फोकस होता है कि कैसे अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस को यहाँ पे इम्प्रूव करें इंस्टेड ऑफ मेकिंग द रिलेशनशिप विद द अदर्स। ठीक है, एक जो लीडर है वो रिटेन पावर में रहता है हमेशा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को दो लोगों के बीच में डेलीगेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिक्टेटिंग और एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है इसके अंदर लीडर्स की। ठीक है, तो ये हमारा डेडिकेटेड के अंदर हो गया। सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है टास्क को और सबसे कम स्कोरिंग होती है रिलेशनशिप ओरिएंटेशन को। सेपरेटेड बात की जाए, मतलब ये इम्प्रोवाइज टाइप के लोग होते हैं, इम्प्रोवाइज टाइप का जो लीडरशिप स्टाइल होता है ये, जिसके अंदर सेपरेटेड होते हैं मैनेजर को ना ही फोकस होता है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, ना ही टास्क पे, ना ही लोगों के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको सारे के सारे लीडरशिप स्टाइल समझ आ गए होंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, जो रेडिन थे, विल रेडिन ने आपको 4 तरीके के बेसिक लीडरशिप स्टाइल्स को यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे जो बेल रेडिन है उन्होंने आपको एक थर्ड डायमेंशन के रूप में, एक थर्ड डायमेंशन के रूप में यहाँ पे आपको और स्टाइल्स दिए, लीडरशिप स्टाइल्स दिए, जो कि लो लेवल पे इफेक्टिव थे और हाई लेवल पे इफेक्टिव थे। ठीक है, आपको और लीडरशिप स्टाइल्स दिए थे, मतलब एक थर्ड डायमेंशन में दिए थे। ठीक है, जिसमें आपको 4 तरीके के इनएफेक्टिव स्टाइल्स दिए और 4 तरीके के आपको दिए अफेक्टिव स्टाइल्स। 4 स्टाइल्स थे जो कि मोस्ट इनअप्रोप्रिएट वे में कहा गया था,
जो कि लोएस्ट लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करते थे, उसके अंदर आपके कौन से आ गए, मिस सीनरी आ गया, कॉम्प्रोमाइजर आ गया, डेजर्टर आ गया, ऑटोक्रेट आ गया, ये सबसे ज्यादा ही लोएस्ट लेवल की अफेक्टिवनेस थी इसके अंदर। ये भी हमें रेडी ने दिया था। और इसके अलावा जो सबसे हाईएस्ट लेवल के जो अफेक्टिवनेस ट्रायल्स थे वो भी रेडी ने दिए, जैसे कि डेवलपर, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेट और बेनेवोलेंट ऑटोक्रेट। अब इनको देखते हैं डिटेल में कि ये है क्या। सो फ्रेंड्स, जो आपको फोर जो थे उसके अलावा भी, जैसे कि आपको इंटीग्रेटेड, सेपरेटेड, रिलेटेड, डेडिकेटेड, इनके अलावा आपको चार चार और इफेक्टिवनेस स्टाइल्स दिए थे, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव स्टाइल्स। जो हमारे यहाँ पे जो फोर इफेक्टिव स्टाइल्स थे वो डेवलपर थे, एग्जीक्यूटिव थे, बेनेवोलेंट थे और ब्यूरोक्रेट थे। लेकिन दूसरी तरफ इनइफेक्टिव स्टाइल्स थे जैसे मशीनरी, कॉम्प्रोमाइजर, ऑटोक्रेट और डिजर्टर थे। अब देखते हैं फ्रेंड्स इनको एक एक करके प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको एक चार्ट के थ्रू सबसे अच्छा ये मुझे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, यहाँ पे आपके लिए स्पेशली लेकर आई हूँ मैं। और यहाँ पे आपको बताया है कि चार तरीके के बेसिक स्टाइल्स के अलावा, ये तो बेसिक स्टाइल्स है, इसके अलावा भी फोर बेसिक स्टाइल्स के अलावा भी आपको चार और इनअप्रोप्रिएट स्टाइल्स दी और अप्रोप्रिएट स्टाइल्स दी। अब फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं इनअफेक्टिव स्टाइल्स में डिजर्टर कौन है। तो फ्रेंड्स ये कैसे लीडर है जिसका क्या है, लो टास्क है और लो पीपल ओरिएंटेशन है। ये कम्प्लीटली एलिनेटेड होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ से, क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, गोल्स को अचीव कर रहे हैं कि नहीं, सही तरीके से फंक्शनिंग हो रही है, लोगों के साथ कैसे, अपने इम्प्लॉयज के साथ कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करना है, तो इनको इसके बारे में कोई खोज खबर नहीं होती। दे आर कम्प्लीटली एलिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ। They don't consider about the task as well as they don't consider about what is going on in his or her company, in his or her organization. Low commitment होती है, कोई यहाँ पे कोई responsibility नहीं लेता, चलताओ काम हो रहा होता है। तो ये इस तरह का deserter यहाँ पे leaders होते हैं, ठीक है, जो कि minimal output देते हैं और यहाँ पे minimal जो ग्रुप के रूल्स रेगुलेशंस को, लोगों के साथ रिलेशनशिप को भी कम बनाते हैं। नेक्स्ट बारी आती है मशीनरी। सो मशीनरी टाइप एक ऐसा होता है, ये आपको एक्सक्लूसिवली इंटरेस्ट दिखाते हैं हारमनी में। ऐसे लीडर जो कि बिलीव करते हैं इजी लाइफ में, मतलब ये इजी लाइफ जी रहे हैं और ये किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं। ये मतलब एक तरह से कम्प्लीटली केयरलेस बिहेवियर होता है उस तरह का यहाँ पे मशीनरी के अंदर होता है, जिसके अंदर यहाँ पे जो लीडर है उनको कोई कंफ्लिक्ट के अंदर पड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता, अवॉइड करते हैं कंफ्लिक्ट को, कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, कोई टास्क यहाँ पे परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, बस इनका मेन मकसद होता है कि मेरे जो सब ऑर्डिनेट्स है वो खुश रहे, कैसे भी रहे खुश रहे। उनके लिए कुछ कुछ यहाँ पे जैसे कि कंट्री क्लब ऑर्गेनाइज करवा देना, उनके उनके लिए यहाँ पे मूवीज उनको दिखाना, तो मतलब उनका मेन फोकस ये रहता है कि मेरी एम्प्लॉयज खुश रहे, बस मुझे कोई लेना नहीं देना अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम से, जो कि गलत है। और ये किस तरह का है फ्रेंड्स, ये आपके रिलेटेड टाइप के होते हैं, रिलेटेड टाइप के होते हैं मशीनरी। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट टाइप के कौन से होते हैं, ऑटोक्रेट होते हैं ऐसे लीडर जो कि मेनली यहाँ पे कंसर्न होता है इमीडिएट जॉब्स पे, इमीडिएटली हमें करनी है जॉब, मुझे कोई कंसर्न नहीं है अबाउट दी एम्प्लॉयज, अबाउट दी टीम मेंबर। इनका जो डिसीजन होता है वो एक तरफा होता है, यूनिलेटरल होता है और सेंट्रलाइज होता है। ठीक है, ये बिलीव करते हैं सप्रेसिंग पे, यानी कि दूसरों को दबाना, एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है इनकी, दूसरों को दबाना, नीचा दिखाना और यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है बाकी गलत है, तो इस टाइप का एटीट्यूड इनके अंदर होता है, ऑटोक्रेट टाइप के होते हैं। ठीक है, और हमेशा ही ये नेगेटिव मोटिवेशन देते रहते हैं दूसरों को। कॉम्प्रोमाइजर टाइप के कौन से होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ इनअफेक्टिव स्टाइल है, कॉम्प्रोमाइजर। सो फ्रेंड्स कॉम्प्रोमाइजर है ऐसे लीडर जिनका हाई टास्क और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन की सिचुएशन में यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही यहाँ पे निल है, दोनों ही मिनिमल है, यहाँ पे टास्क भी नहीं है, लोगों के साथ रिलेशन भी नहीं है, कॉम्प्रोमाइजर टाइप के लोग हैं ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे एक ऐसे लीडर है जो कि सबसे बेकार है।
ठीक है, सबसे मोस्ट इन अफेक्टिव स्टाइल के अंदर यहाँ पे आते हैं। ये वीक होते हैं, ये अलाउ करते हैं वेरियस प्रेशर्स इन द सिचुएशन टू इन्फ्लुएंस देम टू मच, ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों से, नेगेटिविटी है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिसीजन को इजी अच्छे तरीके से नहीं ले पाते, अवॉइड करते हैं डिसीजन को लेना कम्प्लीटली, तो ये कॉम्प्रोमाइजर होते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे इनफेक्टिव स्टाइल्स आ गए जो कि आपके आते हैं वेल रेडियन के थर्ड डायमेंशन में। अब बारी आती है फोर, जो सबसे इफेक्टिव स्टाइल है। सबसे पहले आता है ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट होता है एक तरह के लीडर जो कि हाई कंसंट्रेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। ये क्या है, ये इम्पर्सनल होते हैं और ये लेस टास्क इनका होता है और ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं ओनली फ्यू आइडियाज एंड डू नॉट टेक इनिशिएटिव। तो ये ब्यूरोक्रेट स्टाइल के लोग होते हैं। ब्यूरोक्रेट कह रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पे ऐसे लोग जो कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मान रहे हैं, उसकी सही तरीके से फंक्शनिंग करवा रहे हैं, तो ये ब्यूरोक्रेटिक पे आ जाते हैं। अच्छे टाइप के अच्छे लीडर होते हैं। डेवलपर होते हैं। डेवलपर मतलब हमेशा ही ओपननेस बिहेवियर उनका, हमेशा ही सेल्फ एक्सप्रेसिव रहना, मतलब क्रिएटिविटी इनके अंदर होती है। ठीक है, टास्क ओरिएंटेड होते हैं, लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, तो ये डेवलपर स्टाइल के हो गए। फिर बारी आती है बेनेवोलेंट ऑटोक्रेट। बेनेवोलेंट ऑटोक्रेट होते हैं एक तरह के डायरेक्टिव मैनेजर होते हैं, जिनको पता होता है कि व्हाट दे वांट, कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए और कैसे चाहिए, उसके लिए काम करते हैं विदाउट क्रिएटिंग दिस सेंटिमेंट, मतलब कोई विदाउट गेटिंग डिले, विदाउट कोई डिले होना, कोई यहाँ पे रेस्टलेसनेस होना, और मतलब यहाँ पे केयरलेस एटीट्यूड के बिना ये टास्क के ऊपर फोकस करते हैं, उसके ऊपर लग जाते हैं। हाईली टास्क ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन ये लेस पीपल ओरिएंटेड होते हैं, लोगों के साथ कम थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं। मेन फोकस यही रहता है कि टास्क को अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म करना। ये आपको एक ये पॉजिटिव इकोनॉमिक मोटिवेशन यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फॉलो करते हैं फूडलिस्टिक अप्रोच और अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए बेनेवोलेंट टाइप के लोग। अब आ रही आती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव होते हैं ये हाईली हमारे ये हाई टास्क होते हैं और हाई रिलेशनशिप ओरिएंटेशन होता है इनका। ठीक है, जिसके अंदर बिहेवियर क्या होता है, अप्रोप्रिएट होता है, ये एम्फेसाइज करते हैं टीम मैनेजमेंट पे, और यहाँ पे इनका ये जो रिगार्ड करते हैं इंटरडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड पे, इंटीग्रेटेड टाइप के लोग होते हैं। दोनों ही यहाँ पे इक्वल इक्वल होता है, 9 और 9 की स्कोरिंग पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको सारे के सारे इफेक्टिवनेस स्टाइल समझ आ गए होंगे जो कि बिल रेडी ने दिए थे। थ्री डायमेंशन में इन्होंने तीन तरह के डायमेंशन को डिस्कस किया, पहले टास्क ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन और इफेक्टिवनेस, और उसी के बेसिस पे इन्होंने फोर बेसिक स्टाइल्स के अलावा यानी कि रिलेटेड, सेपरेटेड, इंटीग्रेटेड और यहाँ पे डेलीगेटेड के अलावा यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने एक अलग से ही इफेक्टिव स्टाइल्स और इनइफेक्टिव स्टाइल्स यहाँ पे लेकर आए थे, और उन्होंने बताया था कि किस तरह का लीडर होता है, कौन सा यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल को यूज करता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, और कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पे आपका यहाँ पे खत्म होता है हमारा क्या वेल रेडियन का थ्री डायमेंशनल मॉडल। अब फ्रेंड्स बारी आती है हमारी यहाँ पे लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी की। ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल, आप इसको स्टार बना लीजिए, लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या होता है, ये एक तरह का ये लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी में एक तरह का डायटिक रिलेशनशिप होता है, किसके अंदर, लीडर के अंदर और उसके फॉलोअर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लीडर मेंबर एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इक्वली जो जो फॉलोअर होते हैं और जो लीडर होते हैं इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, क्या एक्सचेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या एक्सचेंज ऑफ वर्क है, क्या एक्सचेंज ऑफ यहाँ पे रोल मेकिंग हो रहा है, तो उस तरीके से हम यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे थ्योरी को डिस्कस करते हैं, और ये मॉडल वहीं से ड्राइव हुआ है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में लीडर और मेंबर के बीच में रिलेशन है और कैसे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सचेंज करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी है इसको हम LMS भी कहते हैं,
इसका जो दूसरा नेम है वो है वर्टिकल डाइट लिंकेज थ्योरी, ठीक है, वर्टिकल डाइट लिंकेज थ्योरी इसका यहाँ पे दूसरा नेम है, जो कि हमारा फोकस करता है किसके ऊपर, रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच के ऊपर। रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच यानी कि लीडर और मेंबर के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। सारे के सारे टीम मेंबर्स के बीच में लीडर का क्या रिलेशन है और यहाँ पे कैसे एक लीडर यहाँ पे मेंटेन करता है अपनी पोजीशन को, अपनी यहाँ पे पोजीशन को कैसे मेंटेन कर रहा है इन ग्रुप और आउट ग्रुप में, ठीक है, और कैसे यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो रही है हर सबऑर्डिनेट्स के बीच में। तो यही सब कुछ हम लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के अंदर यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि लीडर और मेंबर कैसे डेवलप कर रहे हैं रिलेशनशिप को, कितना वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रोथ को और यहाँ पे कितना वो हिंडर कर रहे हैं डेवलपमेंट को। तो इन सबको हम यहाँ पे देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे वर्टिकल डाइट लिंकेज थ्योरी की बात हो रही है, तो ये सबसे पहले जो स्टडी थी हमारी, जो फर्स्ट एक्सचेंज थ्योरी थी जिसको हम वर्टिकल डाइट लिंकेज के नेम से भी जानते हैं, और यहाँ पे मैनेजर्स और मेंबर्स के बीच में कैसा रिलेशन है ये सब को देख रहे हैं। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स के को कैसे एक लीडर इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभा पा रहे हैं यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं यहाँ पे एक्सेस करते हैं रिसोर्सेस को, परफॉर्मेंस को, तो ये सब कुछ हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बारी आती है लीडर मेंबर एक्सचेंज के अंदर दो तरह के ग्रुप की, इन ग्रुप और आउट ग्रुप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी भी लीडर मेंबर एक्सचेंज की थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे इन ग्रुप आउट ग्रुप क्या ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा। सो फ्रेंड्स इन ग्रुप कौन से होते हैं ये हम समझते हैं। एक होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनके बीच में थोड़ा इनफॉर्मल यहाँ पे ग्रुप रिलेशनशिप है, अच्छा रिलेशनशिप है बिटवीन लीडर और मेंबर्स के बीच में, तो वो इन ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इन ग्रुप के अंदर कि आपस में जो जितने भी टीम मेंबर्स है और लीडर है इनके बीच में ट्रस्ट होना, ट्रस्ट के बेसिस पे ही सारा का सारा यहाँ पे फंक्शनिंग होती है। ट्रस्ट कितने करते हैं आपस में, म्यूचुअली ट्रस्ट कितना है, लॉयल्टी कितनी है, कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये सब कुछ इन ग्रुप के अंदर होना इम्पोर्टेंट करता है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब बात करते हैं आउट ग्रुप की, तो आउट ग्रुप हमारे कैसे मेंबर्स होते हैं जिनको जो लीडर है, मतलब वो लीडर उनको हटा देता है, आउट ग्रुप कर देता है उन्हें, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने या तो कभी पहले मतलब डिस्ट्रस्ट किया हो, सही तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, केयरलेस एटीट्यूड है, प्रॉपर तरीके से आउटकम्स को अचीव नहीं करवा पा रहे, कुछ उनका इनिशिएटिव नहीं है, तो इनको आउट ग्रुप किया जाता है। अब एग्जांपल है जैसे कि क्या होता है कि कभी भी जो लीडर है या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो कि आपकी क्लास में कोई भी आप टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया, तो आप क्या करते हैं अपने ही फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि आपकी उनके साथ ज्यादा ही यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो आप उन्हीं को ही उनके साथ मिलकर ग्रुप बनाते हैं। लेकिन आप आउट ग्रुप में कौन से रखते हैं, ऐसे लोग रखते हैं जिनके साथ आपका कम रिलेशनशिप है, जिनको आप जानते नहीं है, अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसी तरह से इन ग्रुप और आउट ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। लीडर उन्हीं को ही आउट ग्रुप करता है जिनके साथ उसका अच्छा रिलेशन नहीं है, सही अंडरस्टैंड नहीं है, कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है लीडर और मेंबर्स के बीच में, उनको आउट ग्रुप करता है। और इन ग्रुप में कौन से होते हैं जो कि ऐसे जो कि लीडर्स के करीब होते हैं, लीडर्स की बात मानते हैं, यहाँ पे ट्रस्ट अच्छा, ट्रस्ट लेवल अच्छा होता है, म्यूचुअली ट्रस्ट करते हैं, लॉयल्टी होती है, रिस्पेक्ट होती है, और यहाँ पे जो कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग निभा पा रहे हैं, और लीडर्स के जो लीडर्स जो सोचता है वही उसके जो टीम मेंबर्स है वो सोच रहे होते हैं, तो वही इन ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही है हमारा इन ग्रुप और आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर जो इन ग्रुप देखा जाए तो इनके अंदर इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन होती है लीडरशिप के बिहेवियर की, ये लीडर को टाइम टू टाइम पे सजेस्ट भी करते रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर एक्सचेंज होता है लीडर का और यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स का, एडवाइस यहाँ पे प्रॉपर एक दूसरे को दे रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप होती है जो कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है म्यूचुअल ट्रस्ट को, लॉयल्टी को, सपोर्ट को, और यहाँ पे क्या करती है ऑब्लिगेशन को। लीडर्स यहाँ पे क्या करता है फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप विद वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्डिनेट्स, मतलब लीडर क्या करता है यहाँ पे अपने रिलेशनशिप यहाँ पे फॉर्म करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। यहाँ पे नेचुरल टेंडेंसी होती है ग्रुप की, ठीक है।
तो ये सब कुछ हमारा इन ग्रुप के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। वही बात करते हैं आउट ग्रुप की। हाँ, तो फ्रेंड्स आउट ग्रुप में कौन कौन से होते हैं? आउट ग्रुप में ऐसे लोग जिन्होंने जिनके साथ लीडर का कोई ऐसा इनफॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता, ये आउटसाइड का रिलेशनशिप होता है। मतलब यहाँ पे एक मेंबर को मतलब यहाँ पे आउटसाइड कर दिया जाता है, जो लीडर के कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो उनको यहाँ पे आउट ग्रुप किया जाता है। यहाँ पे जो आउट ग्रुप के जो लोग हैं इनके साथ लीडर का कोई इनफॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता, कोई नेगोशिएशन वाला रिलेशनशिप नहीं होता, फॉर्मल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, डिफाइंड रोल उनको दे देता है काम करने के लिए कि आपको इस डेडलाइन पे काम करना है, बस इतना ही होता है, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं हो पाता। ये ऐसे तरह के लोग होते हैं जो उन्होंने कभी मतलब पहले ट्रस्ट तोड़ा हो मैनेजर का, ठीक है, अनमोटिवेटेड हो, इनकम्पिटेंट हो, यहाँ पे कैपेबिलिटी ना नहीं हो उनके पास काम करने की, ठीक है, तो इन सबको आउट ग्रुप के अंदर रखा जाता है और यहाँ पे लीडर इनके साथ एक फॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन करता है बस। सबऑर्डिनेट्स जो आउट ग्रुप के अंदर होते हैं ये लेस कंपेटेबल होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे यूजुअली जो लीडर होता है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसे काम निकलवाता है और इसके अलावा कुछ इनका कोई लेना देना नहीं होता। ये ग्रुप क्या होता है, ये काफी रिस्ट्रिक्टेड होता है, अनचैलेंजिंग होता है और ये डोंट रिसीव अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, इनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को मिलती नहीं है ये आउट ग्रुप के अंदर आ गए। ठीक है, जैसे कि इन ग्रुप के अंदर आप देख सकते हो डायग्राम में ये सारे के सारे इन ग्रुप के अंदर आ गए, इनकी कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आउट ग्रुप पे देखा जाए ये लड़की क्योंकि ये इनकम्पैटिबल है, इनकम्पिटेंट है, तो इसको अलग कर दिया गया। तो इसी तरीके से इन ग्रुप और आउट ग्रुप में हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे तीन तरीके की स्टेजेस होती है हमारी, जो कि इसके अंदर लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के अंदर आती है। तीन तरह की स्टेज है कि कैसे भी यहाँ पे ये जो थ्योरी है हमारी ये स्टेट करती है कि रिलेशनशिप कैसा होता है बिटवीन मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स का। तो इस ये हमारा तीन स्टेजेस को होता है, एक होता है रोल टेकिंग, दूसरा होता है रोल मेकिंग और थर्ड होता है हमारा रूटिनाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं रोल टेकिंग क्या है। रोल टेकिंग फ्रेंड्स होता है कि जब यहाँ पे मेंबर हमारे टीम को ज्वाइन करते हैं और लीडर उनको इवेलुएट करता है, उनकी एबिलिटीज को, उनके टैलेंट्स को, जिस काम में वो सक्षम होते हैं लीडर उसको पहचानता है अपने ग्रुप मेंबर्स को और वही टास्क उन्हें ओरिएंट करता है, वही टास्क उन्हें देता है, वही रोल उन्हें निभाने के लिए देता है। अब एग्जांपल जैसे कि एक टीम बनाई लीडर ने, उस टीम के अंदर उसने देखा कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसको डेटा हैंडलिंग की ज्यादा अच्छी नॉलेज है, दूसरा जो है ये अच्छे तरीके से सर्वे कंडक्ट कर सकता है, तीसरा एक ऐसा मेंबर है जिसको कि पर्सनल रिलेशनशिप अच्छे बना सकता है, पब्लिक रिलेशनशिप अच्छे बना सकता है लोगों के साथ। तो ये उसकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए वो उसको टास्क ओरिएंटेड कर रहा है, उसको रोल निभाने के लिए दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैनेजर का काम होता है कि हर तरीके को, हर पर्सन को यहाँ पे बारीकी से उसको एनालाइज करना, बारीकी से देखना और हर को, हर जो टीम मेंबर्स है उनको काम करवाना, उसे उनको टास्क ओरिएंटेड करवाना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, रोल टेकिंग हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है रोल मेकिंग। सो फ्रेंड्स रोल मेकिंग होता है कि जब यहाँ पे लीडर और मेंबर यहाँ पे पार्ट लेते हैं किसी इनफॉर्मल नेगोशिएशन में, यहाँ पे रोल क्रिएट होता है कि जिसके अंदर यहाँ पे रोल सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे जो न्यू जो टीम मेंबर्स है अगर वो काम कर रहे हैं कोई भी जैसे कि जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तो यहाँ पे जो न्यू टीम मेंबर्स है क्या करा जाता है, उनसे ये एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है कि वो अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम करे, ट्रस्ट मेंटेन करे, लॉयल रहे, ट्रस्ट वर्दी हो वो अगर वो किसी काम को कर रहा है। तो ये जो रोल यानी कि एक महत्वपूर्ण काम करने के लिए क्या क्या नेसेसरी चीजें होती है, तो वो सारी की सारी रोल मेकिंग के अंदर आ जाती है। नेगोशिएशन भी कर पा रहा है कि नेगोशिएशन भी एक्सपेक्ट करता है कि एक लीडर है वो अपने मेंबर से क्या चाहेगा कि अच्छे तरीके से काम करे, जो उसे आउटकम्स दिया है वो अचीव हो पाए, ठीक है, डेडलाइन पे काम करे, डेडलाइन से पहले ही दे दे तो वेल एंड गुड, और अच्छा एक रिलेशनशिप मेंटेन करे, तो ये सब कुछ उसे एक्सपेक्टेड होता है। तो यही रोल मेकिंग के अंदर आ जाता है। ट्रस्ट बिल्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस स्टेज में, और यहाँ पे नेगोशिएशन के अंदर इंक्लूड होता है कि प्योर
वर्क रिलेटेड यहाँ पे चीजें हो, इसके अलावा कोई डिस्ट्रेक्शन ना हो, तो ये सब कुछ रोल मेकिंग के अंदर यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट बारी आती है यूटिलाइजेशन की। अब फ्रेंड्स ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये जो यूटिलाइजेशन है ना, ये हर फील्ड में होता है कि आप अपने काम को यूटिलाइज कर रहे हो, मतलब एक सही समय पे डेडलाइन लेकर चल रहे हो कि ये पर्टिकुलर टास्क मुझे इस पर्टिकुलर टाइम में अचीव करना है, तो आप उसको रूटीन बना रहे हो। ठीक है, आप क्या करते हो, टास्क परसिस्टेंसी लेकर आते हो। ठीक है, यहाँ पे आप रेस्टलेसनेस नहीं होने देते, सही समय पे सही काम को आप करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ एंजाइटी। आप दूसरों के प्रति आप रिस्पेक्ट रखते हुए, एम्पैथी रखते हुए, पेशेंस रखते हुए, सेंसिटिविटी रखते हुए आप यहाँ पे काम कर रहे हो। ठीक है, डेडलाइन पे आप यहाँ पे काम लेकर आ रहे हो, आप रूटीन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे काम कर रहे हो, तो ये सब कुछ हमारा रूटीनाइजेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, रूटीनाइजेशन के अंदर हमारा ये हमारी लास्ट फेज होती है, इसके अंदर रूटीन होता है बिटवीन टीम मेंबर्स और उनके मैनेजर्स के बीच में, और यहाँ पे एक पैटर्न होता है ऑनगोइंग सोशल एक्सचेंज का बिटवीन द लीडर एंड द मेंबर। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि रिस्पेक्ट बनाना, एम्पैथी बनाना, परसिस्टेंसी होनी चाहिए काम के अंदर, एग्रेशन और सरकैज्म नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे काम सही समय पे डेडलाइन पे यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे के सारे ये जो पॉइंट्स हैं समझ आ गए होंगे, जो लीडर मेंबर एक्सचेंज के अंदर आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप क्या क्या पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन लोग आते हैं, और इसके अलावा हमने बिल रेडिन का पढ़ा है, दोनों ही मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में ही रजिस्टर कर सकते हैं, और वो आपकी क्वेरीज जरूर यहाँ पे फुलफिल होगी। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तब तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, कैसे लगा मेरा वीडियो यू कैन गिव योर फीडबैक, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय लर्निंग, थैंक यू।